केबल निकला हुआ भाई, केबल निकला हुआ है ये तो, इसलिए नहीं बज रहा था यार। और भाई बस पानी आ ही रहा है इधर साइड, इसलिए अभी हम लोग ने सोचा कि यहाँ थोड़ा छुप जाते हैं। और भाई ये देखो ये पानी कितना तेज आ रहा है यार, अब पता नहीं हम लोग यहाँ कितने देर अटके रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी ये राहुल भैया अपने साथ है, और ये राहुल भैया ने मेरे को झूठ बोल कर लाया भाई कि अपन को सारनी तक जाना है, बोले फट से आ जा बोले। और जैसे ही मैं तैयार होकर आया, देखो ये चड्डे में आया हूँ भाई, मैं चड्डे और शर्ट में, और भाई ने बोला कि अभी जब मैं आ गया हूँ सारनी पहुँचने वाला हूँ, तो बोले गाड़ी दबा दे बोले फट से। तो मैंने बोला यार यहाँ सारनी जा रहे अपन और भगाने की क्या जरूरत है, तो बोलते है कि भाई खैरवानी तक चलना है, खैरवानी तक ही ना, राहुल भैया ने झूठ बोल के लाया है यार, प्रैंक कर दिया अपने साथ। और अभी अपन जा रहे हैं भाई खैरवानी साइड, मतलब बानाबेड़ा करके है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जा रहे अपन अभी ट्रैक्टर लाने। और आते समय मेरे को अकेले आना पड़ेगा, ये भी नहीं बताया उन्होंने कि अकेले आना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं किसी को लेकर आता। और गाइस मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, देख सकते हो आप लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई मौसम को एंजॉय करते हुए, और आपको भी लेकर चलते हैं यार। लेकिन ये गलत करा राहुल भी आपने ना, भाई ऐसे में तो कभी तुम मेरे को अगर लाके बहुत मारोगे। और गाइस अभी अपन ये जा रहे हैं ये बुलेट से भाई, एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है इसमें, एकदम लंबे चौड़े होके बैठे हुए अपन, केटीएम में झुक के बैठना पड़ता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अपन कितनी भी दूर जा सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। और गाइस ये टर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, और एक अपने लिए एक बेकार बात ये है कि भाई अपना हॉर्न पता नहीं बच क्यों नहीं रहा है, टर्निंग में अपन को थोड़ा ज़्यादा थ्रोटल देना पड़ेगा, तो क्या है कि साउंड आएगा तो सामने वाली गाड़ी वाले समझ जाएंगे कि भाई गाड़ी आ रही है, नहीं तो हॉर्न तो काम नहीं कर रहा है यार, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अपने को अभी छुआ है ना, गाड़ी रोक के चेक करते हैं अपन। और गाइस अभी हम लोग ये पहाड़ वाला रोड पार हो चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर हॉर्न चेक कर रहे हैं, केबल निकला हुआ भाई, केबल निकला हुआ है ये तो, इसलिए नहीं बज रहा था यार। टूट गया क्या भाई? टूट गया है वो, तो उसको क्या करें अब? गैरेज पे जाके लगेगी, गैरेज पे ही लगेगी। वैसे पर लगा देंगे, पर इंजन गर्म है ना दोस्त। नहीं नहीं मत लगाओ मत लगाओ। अरे हो जाएगा। हाँ हाँ हो गई, चालू करके दिखाओ। अरे वाह यार, और गाइस फाइनली हमारा हॉर्न चालू हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। और ये राहुल भैया ने चालू करा है, वाह यार राहुल भैया, मेरे को भी सिखा दोगे? नहीं तो मेरे को तो छोटी छोटी चीजों के लिए गैरेज जाना पड़ता है यार। भैया अपन गैरेज खोल ले क्या, चला लेंगे ना। और गाइस अभी अपन ये मारे गांव आ चुके हैं, और यहाँ का व्यू देख सकते हो गाइस आप लोग। और अभी हम लोग यहाँ पर एक ट्रैक्टर लेने आए, मतलब जोतने के लिए जाने वाले हैं ना, जुताई के लिए हम लोग यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाने वाले हैं, और मैं अकेला जाऊँगा और राहुल भी अभी अकेले जाएंगे ना। चलो अभी अपन चलते हैं भाई लोकेशन पर। और गाइस अभी ये राहुल भैया ये ट्रैक्टर लेकर चलने लगे घर की ओर, और भाई अब अपन भी जा रहे हैं घर के लिए। और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप इस गांव का, भाई कितना प्यारा, इतना प्यारा क्या ही बताऊँ। और इधर बिजली भी कड़क रही है यार, तो थोड़ा डर लग रहा है। और
अभी मतलब हमने घर पे फोन किया था तो बोले उधर साइड पानी गिर रहा है और हवा भी आ रही है बहुत तेज, तो इधर साइड तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मौसम बन रहा है इधर भी। और अब अपन ये भैया के पीछे पीछे चलेंगे फॉलो करते हुए। तो चलो भाई अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे अपन घर। और भाई ये आप लोग देखो मौसम कैसा बन गया है यार। और भाई बस पानी आ ही रहा है इधर साइड, इसलिए अभी हम लोग ने सोचा कि यहाँ थोड़ा छुप जाते हैं। भैया लेकिन अपन कब तक पहुँचेंगे? गाइस अभी अपन यहाँ रुकते हैं और वेट करते हैं खुलने का और फिर निकलेंगे यहाँ से। और भाई ये देखो ये पानी कितना तेज आ रहा है यार, अब पता नहीं हम लोग यहाँ कितने देर अटके रहते हैं। भाई एक घंटा तो खा लेगा ना? हाँ गाय जी एक डेढ़ घंटा खा लेगा यार हमारा, ऐसा लग रहा है लेट हो जाएंगे हम लोग। बंद हो गया क्या? अभी नहीं, अभी बंद हुआ है थोड़ा थोड़ा, बहुत पानी गिर गया, गाड़ी चल गई बहुत धीरे से चल रही थी। और गाइस अभी यहाँ पे बरसात बंद हो चुकी है तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब अपन निकलते हैं। क्या लगता है अब घर तक पानी मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा ना, तो चलो फटाफट चलते हैं यार, नहीं तो कहीं बीच बीच में पानी मिल गया तो फिर रुकना पड़ेगा। वैसे एक डेढ़ घंटा अपना खा लिया क्यों पानी ने। और ये अपन ने गाड़ी भी इधर छुपा दी थी।